हिंदू जागरण मंच वीरांगना वाहिनी महानगर की टीम द्वारा किए जा रहे सेवा कार्य की कड़ी में आज मंदिरों के बाहर एवं चौराहों पर पड़े भगवान गणेश, लक्ष्मी एवं अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाओं को उठाकर उनका विसर्जन पसीने वाले हनुमान जी मंदिर के समीप किया गया। महानगर वीरांगना वाहिनी की अध्यक्ष मधुरिमा वशिष्ठ, उपाध्यक्ष पूजा शर्मा, अनीता जादौन, अनु जादौन, सुमित्रा सिंह, हिंदू जागरण मंच के महानगर अध्यक्ष रंजीत सिंह आदि द्वारा मुनाक होटल चौराहा, शिव मंदिर, जलेसर रोड कली देवी मंदिर, जलेसर रोड स्थित देवी मंदिर, संघ कार्यालय, सेंट्रल चौराहा सहित तमाम धार्मिक स्थलों के बाहर पड़ी हुई देव प्रतिमाओं को लोडर टेम्पो में रखवा कर उनको यमुना घाट के समीप विसर्जन करने का कार्य किया गया। महानगर अध्यक्ष मधुरिमा वशिष्ठ ने लोगों से अपील की है कि वो एक वर्ष भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद उनकी प्रतिमाओं को सड़कों पर न फेंके। अगर आप उनका विसर्जन नहीं कर सकते तो उन प्रतिमाओं को मोनाक होटल के समीप किशोर मुनि महाराज के आश्रम पर पहुंचाने का कार्य करें। उनका विधि विधान के साथ विसर्जन करने का कार्य हमारी टीम करेगी। उपाध्यक्ष पूजा शर्मा ने कहा, आने वाले रविवार को पुनः ये सेवा कार्य किया जाएगा। जहाँ जहाँ ऐसी पूजन सामग्री और मूर्ति चौराहा एवं गली मोहल्लों पर पड़ी हुई है वह हमसे संपर्क करें। हमारी टीम उनको संग्रहित करने के साथ उनका विसर्जन करने का कार्य करेगी। देखिए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। जी नमस्कार, मेरा नाम मधुरिमा वशिष्ठ है। मैं हिंदू जागरण मंच वीरांगना वाहिनी के महानगर अध्यक्ष हूँ। अभी हमारे संगठन ने एक दायित्व उठाया है कि जो दीपावली का पर्व निकल के गया है तो उसमें यहाँ के लोगों ने पुरानी मूर्तियों को इधर उधर, जैसे आप पीछे हमारे देख रहे हैं कि कितना ढेर लगा हुआ है, इस तरह से डाल रखा है जगह जगह पर। तो हमारे संगठन ने ये बीड़ा उठाया कि हम इस तरह की सारी मूर्तियाँ एकत्रित करके पसीने वाले हनुमान जी यमुना जी में अच्छी तरह से विसर्जित करेंगे पूर्ण विधि विधान के साथ। और इस चैनल के माध्यम से आप लोगों से भी यही हमारी अपील है कि आप लोग जो हमारे देवी देवता हैं, हमारे पूज्य हैं, आप इतना मानते हैं, उन्हें साल भर रखते हैं, उसके बाद उस तरह से आप उनको रख देते हैं तो ये उनका अपमान होता है। आप लोगों से यही विनती है हमारी कि या तो आप उनको सही जगह पर विसर्जित कीजिए, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो अगले इतवार तक जलेसर रोड स्वर्गाश्रम के पीछे एक किशोर मुनि महाराज जी का आश्रम है, आप वहाँ पर पहुँचा दें। हम पूरे विधि विधान से अगले इतवार को फिर से यमुना मैया में विसर्जित करेंगे।